नमस्कार दोस्तों, अलवर साइंस अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं समीर प्रजापत आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में आया हूं और आज की हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, दर्पण पढ़े थे, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पड़ा था और अब अपवर्तन की घटना पर आधारित है हमारे पास लेंस। तो आज की पूरी वीडियो में हम लेंस की चर्चा करेंगे जिसमें उत्तल और अवतल लेंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि लेंस जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, तो लेंस एक्चुअल में है क्या, तो ये पारदर्शी माध्यम होते हैं और यहाँ पर कम से कम एक पृष्ठ, इनका कम से कम एक पृष्ठ जो है, ठीक, वो कैसा होना चाहिए, गोलीय। कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ठीक, ये जो लेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसी को हम कहते हैं कॉनवेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस या कॉनवेक्स लेंस। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, और अवतल को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो एक हो गया उत्तल, एक हो गया हमारे पास अवतल। अब हम जो है फर्स्टली हम पढ़ेंगे कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को हमने कहा भी क्या, कॉनवेक्स लेंस। हमने पहले बता दिया था कॉनवेक्स को यदि हमें देखना है, याद नहीं होता कौन के कॉनवेक्स में, तो कौन कौन समान है इसको हटा दो, इधर बचा हमारे पास वैक्स। तो वैक्स में तीन अक्षर हैं, वी ई एक्स, तो उत्तल में भी तीन अक्षर है। केव में जो है यहाँ पे चार अक्षर है, तो यहाँ इसके हिंदी में भी अवतल में भी चार अक्षर है, तो अक्षर मिला करके देख लेना। ठीक है, ये जो है उत्तल लेंस, इसी का अन्य नाम भी है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है, देखो वहाँ हमने जब दर्पण पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, तो मिरर के अंदर उत्तल लेंस को हमने कहा था अपसारी। ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको कहेंगे अभिसारी। अभिसारी क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये प्रकाश को फैला रहा था, यहाँ पर ये प्रकाश को एक साथ इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो अभिसारी लेंस, इसी का दूसरा नाम होगा यहाँ पे उन्नतोदर। वहाँ पे भी उन्नतोदर था, यहाँ पे भी उन्नतोदर ही होगा। ठीक है, उन्नतोदर लेंस, क्योंकि इसका जो दर है, पृष्ठीय भाग है, वो उठा हुआ रहता है। ठीक, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो बन जाएगी कि वह लेंस जो मध्य से मोटा वह किनारों से पतला होता है, किनारों से पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, वो मध्य से मोटा और किनारों से पतला। अब इसके यदि स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, और ये बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ इस प्रकार से जो आएगा वो पॉइंट आएगा ओ, ऑप्टिकल पॉइंट ओ, प्रकाशिक बिंदु। ठीक, इससे पहले एक पॉइंट इधर आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये होगा C1, ये होगा F1, 1F1 कहते हैं इसको, यहाँ होगा 1F2। तो फोकस पॉइंट डबल होते हैं एक साइड में, इस साइड में डबल फोकस पॉइंट होंगे, तो यहाँ होगा 2F1, यहाँ होगा 2F2, और इसी को कहेंगे C2। ठीक, ये ऐसा क्यों है, तो मान लिया हमने यहाँ पे दो गोले हैं, दोनों गोलों में से ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2। ठीक, अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा दें तो ये हमारे पास बच जाता है लेंस। ठीक है, ये हमारे पास लेंस था जिसका C1 C2। ठीक, तो इसका एक फोकस जो होगा वो बनाएगा क्या, F1, और दूसरा फोकस बनाएगा F2। तो इसी प्रकार से इधर भी दो फोकस पॉइंट आएंगे हमारे पास, तो ये इस प्रकार से हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग बिंदु पर हम प्रतिबिंब को रखेंगे तो अलग अलग हमारे पास क्या आएगी, अलग अलग बिंदु पर जब हम बिंब को रखेंगे तो अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, प्रतिबिंब बनेंगे कैसे, उसके लिए हम यहाँ ले लेते हैं,
यहाँ लेते हैं बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति यहाँ लेते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पर हम फिलहाल तीन के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी हम पूरी छह स्थितियाँ बनती है इसकी, उन सबको पढ़ेंगे। पहला हमने रखा अनंत पर, अनंत अनंत पर बिंब कहाँ रखा, अनंत पर, मतलब यहाँ से भी पीछे, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2F1 पर। दूसरा यदि हम यहाँ रख दें C1 पर, ठीक, तो हमने रखा C1 पर, तो बनेगा कहाँ, C2 पर, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यदि हमने रखा 1F1 पर, 1F1 पर, तो बनेगा कहाँ, अनंत पर, अनंत पर, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे बनेगा अनंत पर। तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब वो बनेगा बराबर, यहाँ बनेगा वस्तु से बड़ा और यहाँ बनेगा वस्तु से छोटा, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो बड़ा होगा और इधर रहेंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से कैसे यहाँ बनेंगे। अब यदि हम बात करें किसकी जो छह अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और किस प्रकार से होती है, तो देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्रम संख्या, यहाँ पर बिंब की स्थिति, बिंब को ही वस्तु कहते हैं, वस्तु की स्थिति, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ ले लेते हैं हम प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ किस प्रकार से क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो पहली हमारे पास है कि वस्तु कहाँ रखी हमने, अनंत पर। तो हमने देखा पहले कंडीशन में कहाँ बना, 2F1 पर, ठीक है, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब 2F1 के ऊपर, ठीक, कैसा बनेगा, तो यहाँ बनेगा उल्टा, वही प्रकृति वही आएगी जो हमने दर्पण में ली थी, अवतल दर्पण की वही छह कंडीशनें आएंगी यहाँ पर भी, ठीक है, उल्टा वास्तविक व बिंदु साइज, यहाँ ले लेते हैं हम बिंदु साइज, बिंदु साइज, ठीक है। दूसरा हमने लिया C1 के पीछे, C1 के पीछे मतलब यहाँ थोड़ा इसके पीछे, यहाँ रखते हैं तो बनता है 2F1 व, ठीक है, इसके और इसके दोनों के बीच में बनेगा यहाँ पे 2F1 व 2F2 के मध्य, ठीक है, उल्टा वास्तविक व वस्तु से छोटा, ठीक। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन लें, यहाँ पे रखें 1F2 या C1 पर, ये दोनों पॉइंट एक ही है तो यहाँ पे कौन सा भी ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा, ठीक है, 2F2 या C2 पर, कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें नेक्स्ट कि इसके और इसके दोनों के बीच में रख देते हैं 1F2 व 1F1 के मध्य, ठीक, यहाँ पर जब हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब जो है वो इसके आगे बनेगा, ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे C2 के आगे, ठीक, कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। पांचवी कंडीशन में हम यहाँ पे रखते हैं 1F1 पर, तो कहाँ बनेगा, C2 के आगे अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, यहाँ कैसा बनेगा, वही उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा।
और जो छठी कंडीशन होगी उसमें हम रखेंगे 1F1 व OK मध्य, इन दोनों के मध्य यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के पीछे बनेगा, इस बार कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, ठीक। तो वस्तु यहाँ रखी है तो उसके पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक। ये टोटल 6 कंडीशनें आती हैं हमारे पास कौन से वाले दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति को देखें तो सबकी सेम है, ठीक है। 6 की 6 कंडीशनों में यहाँ पे क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है, ठीक। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसका उपयोग कहाँ होता है, कि भाई ये जो है उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहला आता है कि हमारा जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, ठीक। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में, ठीक, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल का। दूसरा यदि हम बात करें तो कैमरे में, ठीक, कैमरे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस, ठीक है। नेत्र में, नेत्र में भी कौन सा लेंस होता है, तो यही होता है, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में, ठीक, उनमें भी कौन किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में अवतल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक है हमारे पास अवतल, एक है उत्तल, एक है हमारे पास निकट दृष्टि दोष, निकट, और एक है हमारे पास दूरदृष्टि दोष, ठीक। तो देखो बोल के देख सकते हैं हम, निकट निकट, एक ही ध्वनि के ऊपर जोर दिया जा रहा है और यहाँ से जो नाम शुरू हो रहा है वो अवतल से ही है। यहाँ पे हम बोल के देख सकते हैं दूर, तो यहाँ पर जो ध्वनि आ रही है वो ऊ की ज़्यादा आ रही है, ऊ पे जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ऊ से शुरू हो रहा है उत्तल, ठीक। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से कम अक्षर किसमें हैं, दूर में, ठीक। तो इन दोनों में से अक्षर कम किसमें हैं, उत्तल में, तो जिसमें अक्षर कम है उसका उसी के साथ में संबंध है, ठीक है। तो हम ऐसे करके इनको पहचान भी सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा वाला लेंस, उत्तल लेंस। अब हमारे पास दूसरा लेंस आता है जो है कौन सा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का अन्य नाम हो जाता है यहाँ पे अपसारी लेंस, और इसी को कहते हैं नतोदर, नतोदर लेंस। इसके यदि हम परिभाषा देखें तो परिभाषा सिंपल बनती है कि वह लेंस, वह लेंस जो मध्य से पतला व किनारों से मोटा होता है, किनारों से मोटा होता है, क्या कहलाता है, तो यह है अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ बात करें इसकी, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, और ये बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से इस प्रकार से, जहाँ से टकराएगा वो ऑप्टिकल पॉइंट हो, यहाँ से लाइन आएगी इधर जाएगी, प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए लाइन, ये बी किरण, ये ए डैस और ये बी डैस, ये ए बी है, ठीक है, इसको बी लिख देते हैं यहाँ पे बी, और ये ए, ये यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे इधर से जा रही हो, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा 1F1, यहाँ कहलाएगा 1F2 C1, ये इधर बनेगा हमारे पास 2F1, इधर बनेगा 2F2 या C2, ठीक है।
तो ये जो ऐसा लग रहा है कि इस वाले पॉइंट से आ रही है, तो ये बना जो प्रतिबिंब बना किसमें, आउटर लेंस में, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि यहाँ देखो ये है बी डैश और ये है ए डैश, ठीक, तो ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, तो बना कैसा, सीधा। सीधा जब भी बने तो आभासी बनता है, सतह ध्यान रखना, जब भी सीधे की बात आएगी तो आभासी बनेगा, ठीक है, और जब आभासी बनेगा और साथ में कैसा बनेगा, ये वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सदैव वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और इस वाले लेंस का जो उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग यदि पूछ ले तो इसका उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को हम वैसे बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया के निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारे अवतल लेंस का, ठीक है। और जो दूरदृष्टि दोष है उसको बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये कहा जाता है किसको, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है हमारे पास प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये कहा जाता है जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष। तो ये हमारे पास दोष होते हैं किससे संबंधित, नेत्र से संबंधित, नेत्र लेंस से संबंधित, तो जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो इसके अंदर जो निकट दृष्टि दोष है इसके अंदर हम उपयोग करते हैं किसका, अवतल लेंस के चश्मे का, इसमें हम करते हैं उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग, और इसमें हम करते हैं दोनों, ठीक है, दोनों मतलब जिसमें उत्तल और उत्तल दोनों, ठीक है, तो दोनों प्रकार के लेंस को उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण में। तो ये तो थे हमारे पास लेंस, एक था हमारे पास कौन सा, उत्तल लेंस, एक था हमारे पास कौन सा, अवतल लेंस, और उनकी सामान्य जानकारियाँ। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस क्षमता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, वहाँ था हमारे पास दर्पण सूत्र, यहाँ आएगा लेंस सूत्र, ये होगा 1/f = 1/v - 1/u, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। दूसरा आता है आवर्धन, आवर्धन क्षमता, हमने वहाँ पे पढ़ी थी आवर्धन क्षमता, m बराबर h - h या v/u, वहाँ माइनस में पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में, यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। और एक यहाँ पे नया टर्म्स आता है लेंस क्षमता का, लेंस क्षमता p = ये होता है 1/ फोकस दूरी, फोकस दूरी होता है स्मॉल f, और ये सदैव ली जाती है मीटर में, किसमें ली जाएगी, मीटर में, ठीक है। तो इसका यदि हम मात्रक की बात करें, लेंस क्षमता का जो मात्रक है वो बनता है मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को कहते हैं हम डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो कई बार वो मीटर इनवर्स दे देता है किसकी, किसका सूत्र है, तो ये लेंस क्षमता का है मीटर इनवर्स, और इसी को कहते हैं हम क्या, डायोप्टर, ठीक। ध्यान रहे फोकस दूरी सतह किस में ली जाएगी, मीटर में ली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल से क्या आते हैं, फॉर्मूले, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चिन्ह परिपाटी जो है वो हमारी वैसे ही रहेगी जो हमने किस में पढ़ी थी, दर्पण के अंदर पढ़ी थी। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इधर एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैश अक्ष होता है, इधर वाई अक्ष होता है, और इधर वाई एक्स डैश, वाई डैश अक्ष होता है, ठीक। तो इधर जितने भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव होगी। बिंब को सदैव यहाँ रखना है, ठीक है, बिंब को सदैव इधर रखना है एक्स डैश पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगी बिंब दूरी यू, और ये सदैव हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और हमें ध्यान रखना है कि जो उत्तल, उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है,
फोकस दूरी वो सदैव हमें धनात्मक लेनी है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी वो सदैव कैसे लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बिंब दूरी सदैव नेगेटिव में आएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव में आएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, बाकी हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। दर्पण और लेंस इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इनके ऊपर ही आधारित रहेगा, ठीक है। तो इसमें सारे न्यूमेरिकल्स को हम वहाँ पर अटेंड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।